हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रॉ विद विशाल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं 6 ऐसी पेंसिल्स के बारे में जो आप मार्केट में इजीली पा सकते हैं या अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं। मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूँ इसके बारे में, क्योंकि मैं इसका रिव्यू काफ़ी दिन से करना चाहता था। आज मिला है रिव्यू करने को टाइम, तो आज इस सारी पेंसिल्स का एक्सरे करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये है वो 6 पेंसिल जिन्हें आज रिव्यू करने वाले हैं: बियानियो, स्टेडलर, अप्सरा, आर्टलाइन, फैबर कैसल और कैमलिन। तो इन सारी पेंसिल्स का मैं रिव्यू देने वाला हूँ आपको, और सारे में बेस्ट कौन सी है वो मैं बताऊँगा। देखिए, स्टेडलर के बारे में तो हमें पता है ये बेस्ट है, तो इसका तो कंपटीशन ही नहीं है। मैंने इसे सिर्फ इसलिए इंक्लूड किया है वीडियो में जिससे आप ये समझ पाएँ कि इसके कंपैरेटिवली बाकी कौन सी ऐसी चीप पेंसिल है जो हम ले सकते हैं, मतलब इसके आसपास कौन सी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको जितनी पेंसिल्स हैं उनमें कितनी पेंसिल मिलती हैं। जैसे अलग अलग पेंसिलों में अलग अलग पेंसिल मिलती हैं। लाइक स्टेडलर में आपको 8B, 6B, 4B और 2B देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि बेसिक ग्रेड्स है, जो कि मैक्सिमम आर्टिस्ट यूज़ करते हैं। अब काफ़ी स्टैंडर्ड क्वालिटी की रहती है, तो आप पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं। बेस्ट पेंसिल्स होती हैं सभी आर्टिस्ट के लिए। इनका डिमेरिट्स बस एक है आपके लिए कि ये थोड़ी एक्सपेंसिव आती हैं। सेकंड जो हमारे पास है वो बियानियो है, ये अराउंड 599 आपको मिल जाएगी। अमेजोन पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और लेड ब्रेक इसका बहुत ज़्यादा है, और इसकी 8B अच्छी है, डार्क है, स्मूथ भी है, बट इसका डिमेरिट बस यही है कि इसमें लेड ब्रेक बहुत ज़्यादा होता है, तो आपकी पेंसिल बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। बाकी इसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। जितनी भी मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ, सबसे ज़्यादा वैरायटी इसमें आपको मिल जाएगी 599 में। 2H से लेकर 12B तक आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कैमलिन के बारे में हम सभी लोग बचपन से देख रहे हैं, सब हर कोई कैमलिन और अप्सरा ही यूज़ किया है। तो कैमलिन काफ़ी अच्छा ब्रांड है, और आज जो मैं यूज़ करने वाला हूँ वो HB से लेके 8B तक इसका सेट आता है, और इसकी पेंसिल्स काफ़ी देखने में डार्क ग्रीन है, तो काफ़ी सुंदर पेंसिल्स हैं। और फ्रेंड्स, आज जो फैबर कैसल यूज़ करने वाले हैं उसमें 2B से लेके 8B तक यूज़ करने वाले हैं। इसको भी हम साइड रख देते हैं। ये है आर्टलाइन, बहुत ही कम यूज़ किए, आज मैं इसका फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगा। बाकी जितनी भी पेंसिल्स हैं मैंने सारी यूज़ की हैं, और देखते हैं क्वालिटी कैसी है। ये जो लास्ट पेंसिल है ये आप सभी जानते हैं, हम सब ने यूज़ किया है अप्सरा। अप्सरा का काफ़ी नाम है, हम लोग काफ़ी यूज़ कर चुके हैं, और मैं जितने भी अभी पेंसिल्स मैं यूज़ करने वाला हूँ सबसे चीपेस्ट यही है। ये सबसे ज़्यादा चीप है, क्वालिटी हम वीडियो में देखेंगे कैसी है। चलिए, तो फ्रेंड्स, मैंने सभी के 8B, 4B और 2B निकाल लिए हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 8B है, और बीच में 4B, और लास्ट में 2B है। स्टेडलर, कैमलिन, बियानियो, फैबर कैसल, आर्टलाइन, और लास्ट में मैं अप्सरा अभी कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं मैंने टाइम बचाने के लिए ये पार्ट स्किप कर दिया स्क्रिबल करने का, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, इंपॉर्टेंस ये रखता है डिफरेंस देखना था हमें। तो आप देख सकते हैं स्टेलर काफ़ी अच्छी है, कैमलिन अच्छी है, बियानियो उससे बेकार है, क्योंकि बियानियो का प्राइस बहुत ज़्यादा है और डिफरेंस उतना नहीं है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। उसकी सिर्फ 8B अच्छी होती है, वो भी लेड ब्रेक बहुत ज़्यादा होता है। और अप्सरा भी अच्छी है, आर्टलाइन मुझे सबसे बेकार लगी, फैबर कैसल बेकार लगी। तो बिल्कुल भी मैं फैबर कैसल और आर्टलाइन और बियानियो तो बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। प्राइस देख लिया जाए तो स्टेडलर का 600 है, कैमलिन आपको 45 में मिल जाती है, 590, फैबर कैसल आपको 45 में मिल जाएगी, आर्टलाइन आपको 60 में मिल जाएगी, और अप्सरा आपको 36 में मिल जाएगी। मैं बिगनर्स के लिए अप्सरा रिकमेंड करूँगा फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें काफ़ी स्मूथ शेडिंग हो रही थी और फील काफ़ी अच्छी आ रही थी। तो चलिए स्फीयर बना के देख लेते हैं। मैं स्फीयर से ये पता लग जाएगा कि ब्लेंडिंग कैसी हो रही है इनमें और शेड्स कैसे आ रहे हैं। लाइट शेड और डार्क शेड दोनों होते हैं स्फीयर्स में, तो इसलिए काफ़ी अच्छा रहेगा स्फीयर्स बना के देखना, हमें एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं डार्क करते जा रहा हूँ, जितने भी मतलब डार्क आप हैं वो नीचे देख सकते हैं
डार्क शेड्स में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, ऊपर से स्टेडलर और कैमलिन में डिफरेंस आपको पहले ही दिखने लगा होगा। और उसके बाद बियानियो है, उसके बाद फैबर कैसल। तो मैं ये तीनों तो बीच की रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर लोवेस्ट में जाना है आपको, 36 रुपीज़ में आपको अप्सरा मिलती है, काफ़ी अच्छी है वो। मैं नाम लिख दे रहा हूँ बगल में, आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा। और ब्लेंडिंग कर दे रहा हूँ, ब्लेंडिंग से काफ़ी डिफरेंस पता लगेगा आपको। ब्लेंडिंग में फ्रेंड्स, मैं जब ब्लेंडिंग कर रहा था तो स्टेडलर की तो सबसे स्मूथ ब्लेंडिंग होती ही है, और बाकी उससे अच्छी ब्लेंडिंग मुझे लगी अप्सरा की, और कैमलिन अप्सरा ये दोनों की ही काफ़ी अच्छी थी। तो बिगनर्स के लिए एक अप्सरा काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। कैमलिन भी बोल सकते हैं, कैमलिन भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 45 और 36 रुपीज़ में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मैं आपके लिए लाते रहूँगा, और हर वीकेंड की तरह इस वीकेंड भी मैं लाने वाला हूँ आपके लिए कुछ धमाकेदार। तो इस वीकेंड का वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, हमेशा आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी मेरे चैनल पर।